लालू यादव लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। लग गई मोहर, अब वोटिंग का इंतजार। इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे लालू। बीजेपी और विपक्ष को देंगे टक्कर। कहते हैं बिहार की राजनीति में माइनस लालू, कम से कम आज के समय में कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप बिना लालू किसी सियासी समीकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बिहार में एक ऐसे भी लालू हैं जिन्हें किसी सियासी समीकरण की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। छपरा के लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का मन बना लिया है। ये लालू वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का हम नाम होने के कारण इन्हें मीडिया की सुर्खियां अच्छी खासी मिल जाती है, जिसके कारण ये सभी चुनाव में अपना नामांकन जरूर कराते हैं। मढ़ौरा नगर पंचायत की यादव रहीमपुर के निवासी लालू यादव इस बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल इसके लिए नामांकन करने की भी तैयारी में हैं। ये चुनाव इनके लिए नया नहीं है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि इनका नामांकन प्रस्तावक की संख्या बल पूरा नहीं होने के कारण रद्द हो गया। पिछले बार 2017 में भी राष्ट्रपति का नामांकन किए थे, लेकिन उसमें प्रस्तावक की कमी होने के चलते मेरा नामांकन रद्द हो गया। लालू प्रसाद यादव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद से लेकर लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद के कई चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं। वो अलग बात है कि इनको अब तक किसी में भी सफलता नहीं मिली है। ये चुनावी सफर 2001 में शुरू हुआ था। जीवन का पहला चुनाव उन्होंने मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में लड़ा। फिर 2006 और 2011 में भी नगर पंचायत के वार्ड पार्षद चुनाव में कूदे, लेकिन इन तीनों चुनाव में नाकामयाबी हाथ लगी। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी छपरा से नामजदगी कर निर्दलीय प्रत्याशी बने और हार गए। 2001 में हम वार्ड का नगर पंचायत का चुनाव लड़े, 2006 में लड़े और फिर 2011 में लड़े, उसमें हार हो गई। फिर 2014 में सारण लोकसभा से चुनाव लड़े राजीव प्रताप रूड़ी एवं राबड़ी देवी के खिलाफ, उसमें भी मेरा चुनाव में हार निश्चित हो गई। फिर 2015 में मैं विधानसभा का चुनाव मढ़ौरा से लड़े, 2016 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, उसमें भी मेरा हार हो चुकी। फिर 2018 में सारण लोकसभा का चुनाव लड़े, 2020 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा का चुनाव लड़े, और 2022 में भी निकाय MLC का चुनाव लड़े, उसमें भी हार हो गई। लालू का चुनावी अखाड़े में कूदने का सिलसिला थमने वाला नहीं है, जिसकी तस्दीक वो खुद भी करते हैं। वे सियासत के उन खिलाड़ियों में से नहीं जो हार मानकर बैठ जाएं। इनका मानना है कि कभी तो जनता इन्हें मौका देगी और विश्वास है कि एक दिन इन्हें राज्य या देश के किसी सदन में पहुंचने का मौका जरूर मिलेगा। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।